तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप अपने वायरलेस जो हेडफोन्स होते हैं, ईयरफोन्स होते हैं वायरलेस ब्लूटूथ वाले, आप इसे पैर या फिर कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं अपने फोन्स में, लैपटॉप कंप्यूटर किसी में भी सेम तरीका होता है। यहाँ पर मैं आपको फोन में कनेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। देखिए ये आपका समझ लीजिए ब्लूटूथ ऑफ है। आप अपने फोन में सबसे पहले आ जाइए अपने ब्लूटूथ में, ठीक है। तो अभी मैं इसे ऑन किया था, मैंने इसे पहले मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं। सॉरी, पावर बटन दबाना था मुझे। ठीक है, ये ऑफ हो चुका है। अब इसे वापस से ऑन कर लेते हैं, तो ये ऑन हो गया, ठीक है। अब थोड़ी देर ये ऑन होने में लेता है, तो जब तक का हम यहाँ पर इसे ब्लूटूथ को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। अब ये स्कैनिंग करेगा कि कौन कौन से डिवाइस है आसपास। तो ये हमारा ऑन हो रहा है, कुछ 10 सेकेंड ले, मतलब ऑन तो हो जाता है लेकिन मोबाइल में शो होने के लिए कुछ 10 सेकेंड्स लेता है ये। तो देखिए यहाँ पर ये बोट रॉकर्स आ गया है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ एक टैप कर देना है। टैप करेंगे तो ये पैरिंग का ऑप्शन आएगा। किसी किसी फोन में यहाँ पर ओके करने को बोलता है, तो ओके करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी किसी फोन में यहाँ पर डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक के लिए यहाँ पर बैटरी 80% है आपकी, इसकी चार्जिंग कितनी है आपके ब्लूटूथ की वो भी यहाँ पर बता देता है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती है, अनपेयर करना है या फिर आपको इसका नाम चेंज करना है, आप नाम चेंज कर सकते हैं। आपको ऑडियो के लिए, मीडिया ऑडियो के लिए किस लिए चाहिए, यहाँ पर इसे आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सचर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।